Good morning, students. So SEBI, which is a regulatory authority of India, which regulates over the functioning of stock exchanges and was set up as a statutory corporation in the year 1992 under the SEBI Act 1992. So yesterday we discussed about the purpose and role of SEBI as well as the objectives of SEBI. Today we will be doing functions of SEBI. So SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, performs many functions. We categorize these functions into three broad categories. First is regulatory functions, second is development functions, and third is protective functions. बेटे इसमें से क्वेश्चन हमेशा आ जाता है. रेगुलेटरी फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस. सो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट आर द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी. सेबी किस तरह से, सेबी का काम है रेगुलेट करना. किसको रेगुलेट करती है, क्या करती है रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है. सो रेगुलेटरी फंक्शंस में सबसे पहला आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट. बेटे सेबी ने रेगुलेट करना है, यानी जो भी काम चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड उसको सुपरवाइज करना है, रेगुलेट करना है, अपना एक कंट्रोल रखना है, ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि उसको ब्रोकर्स, ब्रोकर कौन होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं बिटवीन फर्म्स एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है. वो आपका पैसा आपसे लेके कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बिहाफ पे कमीशन अर्न करते हैं. तो ये जो ब्रोकर यानी कि दलाल है, ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रोकर बन जाए. जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, एनीबॉडी कैन बिकम प्रॉपर्टी डीलर. एक दुकान खोली, वहां पे बैठ के जो अपनी सेल के लिए प्रॉपर्टी लिखवा के जाता है वो लिख लेते हैं, और जो बायर्स जो होते हैं जिनको जरूरत होती है उनका रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं और उनको मैच कर देते हैं, उनको आपस में मिला देते हैं, दिखा देते हैं, और प्रॉपर्टी जब बाय या सेल होती है तो उससे कमीशन लेते हैं. बट दे डोंट हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स एनीवेयर. लेकिन जो शेयर्स के ब्रोकर होते हैं, चाहे वो ब्रोकर है, चाहे वो सब ब्रोकर है, या यू नो कोई भी और प्लेयर है मार्केट में, उनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है. सो दिस इज द फर्स्ट रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी, दैट इट डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट. ओके, कमिंग टू द सेकेंड रेगुलेटरी फंक्शन, विच इज रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स. सो जो भी कंपनीज कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रही है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, या कोई भी म्यूचुअल फंड्स है, आपको पता है म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट क्या है. सो एक ये रिसेंट, अभी तो रिसेंट नहीं रहा, काफी साल हो गए म्यूचुअल फंड्स को भी इंट्रोड्यूस किए. सो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है ना, वो लोगों के पैसे लेती है और उसको अलग अलग यू नो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती है ताकि वो रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सके. तो जिन लोगों को कंपनीज की नॉलेज नहीं है वो म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड पूरा डेटा एनालिसिस करके उनके पैसे फर्दर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है. तो जो भी कंपनीज अपने म्यूचुअल फंड्स लेके आ रही हैं या कोई भी और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, उसकी भी रजिस्ट्रेशन आपको सेबी में करवानी पड़ती है. सो इन दिस वे सेबी परफॉर्म्स रेगुलेटरी फंक्शन. हाउ? बाय डूइंग रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स. ऑलराइट, थर्ड इज बेटे रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स. जो भी ब्रोकर्स हैं है ना, उनको रेगुलेट भी करती है. रजिस्ट्रेशन तो करती करती है, उसके अलावा इनको रेगुलेट करती है. किस किस को रेगुलेट करती है? स्टॉक ब्रोकर्स को, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस. जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंजेस ही है, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस का मतलब स्टॉक एक्सचेंज ही है एक तरह से. अंडर राइटर्स,
यू नो हु आर अंडरराइटर्स? एनीवन? अंडरराइटर्स किन को बोलते हैं हम? अंडरराइटर्स तो बेटे अंडरराइटर्स वो होते हैं जो कि अगर लेट अस से किसी कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए. नाउ इट इज ऑफ दिस फियर. यस, बिल्कुल ठीक है राणा, कि कंपनी को लगता है कि हमारे सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब नहीं होंगे तो पब्लिक हमारे शेयर्स में इंटरेस्ट नहीं शो करेगी. दे कैन अपॉइंट अंडरराइटर. अंडरराइटर्स दे अंडरटेक टू बाय the shares of the company if they are not you know applied for by the public. अगर public अपना interest नहीं show करती है तो let us say 60% subscription हुई है लेकिन हमें company को register कराने के लिए 90% subscription की requirement है, तो जो 30% shares बच गए हैं वो underwriters buy करेंगे. ठीक है, तो उनको भी regulate करना है. वो कौन regulate करता है? SEBI. So, SEBI का फंक्शन क्या रहा? रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, रेगुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स. मर्चेंट बैंकर्स वो बैंक्स होते हैं जो कि शेयर्स में डील करते हैं. ठीक है, सो एनी और या कोई भी और स्टॉक एक्सचेंजेस या सिक्योरिटीज मार्केट है, उन सबको कौन रेगुलेट करता है? SEBI रेगुलेट करता है. देन नेक्स्ट इज regulation of takeover bids by companies. Companies, एक कंपनी दूसरी को टेक ओवर करती है, उसके लिए वो बिड्स लगाती है, ऑक्शन होती है कई बार कंपनीज की, तो उस केस में उसको रेगुलेट करना कि उसमें कोई मेल प्रैक्टिसेस तो नहीं चल रही. तो अगर जब भी कंपनी की टेक ओवर बिड्स होती हैं तो उसके उसको रेगुलेट कौन करता है? SEBI. यानी बिना SEBI के टेक ओवर बिड्स नहीं हो सकती. ऐसा नहीं है कि आप पहले टेक ओवर बिड लगा लो, उसके बाद आपको लगे जी नहीं ये गलत हुआ है तो आप SEBI के पास कंप्लेंट लेके चले जाओ. नहीं, SEBI रेगुलेट्स दी टेक ओवर बिड्स. देन कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरीज. जो SEBI है वो इंस्पेक्शन कर सकती है किसी भी टाइम, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके या किसी भी ब्रोकर के ऑफिस में जाके इंस्पेक्शन कर सकती है, इंक्वायरीज कंडक्ट कर सकती है, स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिटिंग भी करती है. ठीक है, तो इस तरह से ये इन जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है. किस तरह से? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करके कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ठीक है, एंड ऑडिटिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इंटरमीडियरीज. ठीक है, देन बेटे लेविंग फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट. SEBI ने कोई भी एक्ट में जो भी चीजें मेंशन है जिसके लिए उसको कोई भी फीस लगानी है या कोई भी और चार्जेस कलेक्ट करने हैं वो भी जो उसके एक्ट के परव्यू में है वो लगा सकती है. देन परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजेस सच पावर्स अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 एज मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो भी पावर्स SEBI को दी हुई है उन पावर्स को वो परफॉर्म कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है. ठीक है, तो मेन हमारी वैसे यही बनती है. नंबर वन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एंड अदर प्लेयर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, underwriters, merchant bankers and stock exchanges. Then regulation of takeover bids by the companies. ठीक है, then calling for information by conducting research, by conducting inspection, ठीक है, and by conducting audits of stock exchange or other intermediaries. ठीक है, ये हो गए हमारे regulatory functions.
Anyone having any doubt till this, you can ask. Now, coming to the development functions of SEBI. SEBI na sirf regulatory functions perform karti hai, ye development functions bhi perform karti hai. So, kya development functions hai iske? Number one is training of intermediaries of stock exchanges ya securities market. जो भी इंटरमीडियरीज हैं सिक्योरिटीज मार्केट में ब्रोकर्स सब ब्रोकर्स या बाकी जो इंटरमीडियरीज हैं उनकी ट्रेनिंग सेबी करती है. ठीक है, डेवलपमेंटल फंक्शन यही है ना, ट्रेन करना, उनको प्रमोट करना, उनकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना. सो इट इंडल्जेस इन ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. सेकेंड इज कंडक्टिंग रिसर्च, ये रिसर्च कंडक्ट करती है और जो भी इंफॉर्मेशन इसको यूजफुल लगती है उसको ये पब्लिश कराती है. ठीक है, जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बेटे बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं. हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वी आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ मार्केट. कंपनीज अपने शेयर्स बेचना चाहती है तो दैट इज ऑल्सो द पार्टिसिपेंट ऑफ मार्केट. So what does SEBI do? It conducts research and it publishes the information useful to all the market participants. Research conduct करने का तभी फायदा है अगर आप अपनी research की findings लोगों तक पहुंचाओ ताकि उनके लिए ये फायदेमंद हो सके, वो इससे benefit उठा सके. ठीक है, then third is undertaking measures to develop capital market by adapting a flexible approach. समझो इसको, undertaking measures to develop capital market. Capital market stock exchange. Stock exchange को develop करने के लिए SEBI हर possible step उठाती है. ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करती है, आगे लिखा है आपको, बाय अडेप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच. एक फ्लेक्सिबल अप्रोच को अडेप्ट करके, अडॉप्ट करके भी आ सकता है वैसे यहाँ पर वर्ड, तो वो रिजिड नहीं अपना उसने नजरिया रखा हुआ, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच रखी हुई है. तो वो फ्लेक्सिबल अप्रोच को अडॉप्ट करके ये हर पॉसिबल मेजर उठाती है कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए. ठीक है, अगर आप रिजिड हो जाओगे ना बेटे तो उससे क्या होगा, आप बोलोगे नहीं हमारा यही वर्क कल्चर है, हमने इसको चेंज नहीं करना, नहीं हमने टेक्नोलॉजी को शिफ्ट नहीं करना, हमने ऐसा नहीं करना. ये एक रिजिड अप्रोच होती है, इससे हम कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे. सो सेबी का क्योंकि डेवलपमेंटल फंक्शन है, सेबी नॉट ओनली रेगुलेट्स द मार्केट, नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द इन्वेस्टर, it also performs development function, which means it undertakes measures to develop the capital market by adopting a flexible approach. Clear? So let us see what are the development functions of SEBI once again. First is training of intermediaries of security market. Second is conducting research and publishing the useful information. Right? Third one is undertaking measures to develop capital market by adopting a flexible approach. These are the developmental functions of SEBI. Now, third type of functions which SEBI performs is protective functions. ठीक है, SEBI जब को हमने एक statutory status या legal status दिया था तो इसी करके इसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाना पड़ा था क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ा स्कैम हुआ था सिक्योरिटीज मार्केट में. ठीक है, इन्वेस्टर्स के बहुत ज्यादा पैसे डूब गए थे. सो दैट्स व्हाई सेबी वाज ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म सर्टेन प्रोटेक्टिव फंक्शंस. सो क्या, किस तरह से प्रोटेक्ट करती है सेबी, कौन से प्रोटेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करती है? नंबर वन, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड unfair trade practices. Companies unfair trade practices में indulge ना करें, fraudulent activities ना करें, उनको ये prohibit करती है.
ठीक है, प्रोहिबिट करती है, रोकती है कंपनीज को फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होने से. कौन सी अनफेयर प्रैक्टिसेस या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं जिसमें कंपनीज जो हैं वो इंडल्ज हो सकती हैं? दे आर लाइक मेकिंग द मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स. अगर कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट अपनी कंपनी के बारे में कोई देता है, मतलब मिसलीड करता है आपको, फैक्ट नहीं है लेकिन उसको बताया जा रहा है हाँ जी हम ये कर रहे हैं, हम इस प्रोडक्शन में एंटर कर रहे हैं, हम या इसके साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी जाती है या कोई भी मैनिपुलेशन की जाती है, ठीक है, या प्राइस रिगिंग की जाती है. प्राइस रिगिंग मैंने आपको कल बताया था, आप अपने शेयर्स के प्राइसेस को इन्फ्लेट या डिफ्लेट करते हैं कोई एक साजिश रच के. तो अगर कोई कंपनी इस तरह से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करती है तो उनको रोकना किसका काम है? सेबी का है. सो प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी. सेकंड इज बेटे कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनालिटीज फॉर द सेम. नाउ व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? तो अगर आपने आप में से कल मुझे बच्चों ने बताया था कि हाँ जी हमने मैम देखी है सीरीज, तो आपको पता होगा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है. कोई भी कंपनी का जो इनसाइडर है ना, जिसके पास सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, इट कुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजर, सेक्रेटरी, कोई भी कंपनी का जो इनसाइडर है, टॉप मैनेजमेंट का पर्सन है जिसको कंपनी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता रहती है. जरूरी नहीं है टॉप मैनेजमेंट का, कई बार इवन एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी काफी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में होती है. तो उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज करके वो कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस है ना, जैसे लेट अस से एक एम्प्लॉय को पता है कि कल को ये कंपनी ने ना इस बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करना है, तो कल को इसके शेयर्स के प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो आज कंपनी के शेयर्स खरीद के रख लेता है. ठीक है, वो अब अपनी इस इंफॉर्मेशन को यूज करता है और कल को जब वो बढ़ जाएंगे शेयर के प्राइसेस, तो वो ऑब्वियसली ही विल बी हिज वेल्थ विल बी मैक्सिमाइज्ड. सो ऐसी प्रैक्टिस इलीगल मानी जाती है. अगर कंपनी अगर सेबी ऐसी एक्टिविटीज को यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और जो लोग इसमें इंडल्ज करते हैं उसके ऊपर ये पेनालिटीज इंपोज करता है. ठीक है, नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी इज अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए जो पॉसिबल स्टेप्स हमें लेने चाहिए, टाइम टू टाइम सेबी लेती है और इसको लेने भी चाहिए. जैसे अब स्कैम 1992 था, वो क्यों आया? क्योंकि हमारे सिस्टम में कुछ लूप होल्स थे. तो जब सेबी ने रियलाइज किया कि सिस्टम में ये लूप होल्स हैं जिस करके इन्वेस्टर का प्रोटेक्ट इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, तो सेबी ने उन लूप होल्स को रिमूव किया. सो दैट इज सो अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. देन नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटीज मार्केट. सेबी फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है, ठीक है, और कोड ऑफ कंडक्ट जो है सिक्योरिटीज मार्केट के लिए वो बनाती है और उनको बोलती है कि इस कोड ऑफ कंडक्ट को आपको फॉलो करना है. ठीक है, सो दीज आर द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी. आई एम रिपीटिंग इट, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस रिगिंग और मेकिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, एनी मैनिपुलेशंस इन द शेयर प्राइसेस, उन सबको प्रोहिबिट करना. Second is controlling insider trading and imposing penalties for the same. Third is undertaking steps for investor protection. And fourth is promotion of fair practices. अगर unfair को prohibit करना है तो fair practices को हमने promote करना है and follow the code of conduct in the securities market. ठीक है, so these are the functions of SEBI. Now we are left with organizational structure of SEBI.